ही एट वंस न्यू देयर वॉज समथिंग फिशी, सो ही डिसाइडेड टू बी केयरफुल. जब कर्टियर्स और मिनिस्टर उसके बैग के पीछे हंसते हैं तो उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. सो वो डिसाइड खुद करता है कि वो केयरफुल रहेगा. द किंग द कर्टियर्स एंड द मिनिस्टर स्टार्टर डिस्कशिंग. कहते किंग दरबारी और मिनिस्टर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं. द यूजुअल इशूज. द किंग वॉन्टेड टू नो हाउ द पीपल ऑफ हिज किंगडम कुड बी मेड वॉइस एंड इंटेलिजेंट. डिस्कशन किस पे करते हैं कि किंग जानना चाहता है कि कैसे उसके जो किंगडम क्या होते हैं, राज के जो लोग हैं उनको कैसे वॉइस इंटेलिजेंट मतलब सियाना और समझदार बनाया जा सकता है. गोपाल स्टेप्ड फॉरवर्ड. गोपाल आगे आता है विद अ सजेशन लेके. ही सेड योर मजेस्टी. मजेस्टी वर्ड किसके लिए यूज होता है, मालिक. आई थिंक वी शुड आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन सम टॉपिक एवरी डे फॉर वन आवर एट लीस्ट. क्या सजेशन देता है कि मैं सोचता हूँ कि हमें उनको एक आवर देना चाहिए कम से कम डिस्कशन करने के लिए. द किंग लुकड एट गोपाल एंड सेड नो. किंग गोपाल की तरफ देखता और क्या कहता है, नो. गोपाल वॉज शॉक्ड. गोपाल हैरान हो जाता है बिकॉज द किंग हैड नेवर सेड टू नो टू हिम. सेड नो टू हिम क्योंकि किंग ने कभी भी उसे नो नहीं कहा था. ही थॉट अ लिटिल एंड देन सेड योर मजेस्टी डोंट यू थिंक अ फ्रेंडली डिस्कशन वुड हेल्प पीपल थिंक क्लियरली दे विल ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस इन देम. फिर थोड़ा टाइम सोचता है और फिर बोलता है कि क्या मेरे मालिक क्या आपको नहीं लगता कि डिस्कशन करने से मिलजुल के डिस्कशन करने से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, उनकी सोच में क्लैरिटी आएगी और वो क्या गेन करेंगे, कॉन्फिडेंस विश्वास मिलेगा उसको. वंस अगेन द किंग सेड फ्लैटली नो. और किंग फिर से क्या जवाब दे देता है, नो. गोपाल स्टेड क्वाइट एंड वॉच्ड व्हाट वाज हैपनिंग. गोपाल स्टेड क्या होता है, देखना, चुप करके देखता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है. एवरी टाइम ही सेड एनीथिंग द किंग वुड शेक हिज हैंड सेइंग अ बिग नो. शेक हिज हैंड सिर हिला देना और क्या बोल देता, नो. जब भी कोई वो डिस्कशन करता या कोई आंसर देता तो किंग क्या बोल देता, नो. गोपाल वॉज सरप्राइज. गोपाल बहुत हैरान था टू सी दैट द किंग वॉज सेइंग नो टू वट एवर ही सेड. बहुत हैरान था कि जब भी वो कुछ कहता है तो राजा नो क्यों बोल देता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट. फिर वो महसूस करता है कि इट वॉज सम डर्टी प्लान ऑफ मिनिस्टर एंड कर्टियर्स हु वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ हिम. गेट रीड ऑफ हिम का मतलब होता है छुटकारा. फिर थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो सोचता है कि ये डर्टी प्लान्स होंगे. किसके प्लान है ये, मिनिस्टर्स और कर्टियर के जो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं. सो ही डिसाइडेड टू वेट पेशेंटली. धीरे से वेट करता है फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मौके की, टू गेट बैक एट हिम, उनका जवाब देने के लिए. व्हेन ऑल द डिस्कशंस ओवर गोपाल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड ओ किंग यू आर ग्रेट. जब सारी डिस्कशन खत्म हो जाती है स्टेप फॉरवर्ड आगे आता है गोपाल और कहता है कि तुम बहुत महान हो राजा. बट विदाउट दीज मिनिस्टर्स एंड कर्टियर्स आई थिंक यू डोंट बी एबल टू मैनेज योर किंगडम. कहते हैं बट तुम्हारे इन मिनिस्टर्स और कर्टियर के बिना मैं सोचता हूँ कि तुम इतना बड़ा जो तुम्हारा राज है किंगडम है उसको मैनेज नहीं कर पाते. सो आई रिक्वेस्ट. तब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ टू कीप देम ईच अ स्पेशल रिवार्ड ऑफ 500 गोल्ड क्वाइन. रिवार्ड क्या, इनाम तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें स्पेशल रिवार्ड दें 500 गोल्ड क्वाइन का. द मिनिस्टर्स एंड कर्टियर्स वर ओवरजॉयज्ड टू हेयर दिस. ओवरजॉयज्ड मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं गोपाल की ये बात सुन के. दे कुड नॉट बिलीव देअर ईयर. उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि ये गोपाल हमारे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि इनको 100 गोल्ड क्वाइन दो. हैड गोपाल गोन मैड. क्या गोपाल पागल हो चुका है. वाई वॉज ही प्रेजिंग देम. वो उनकी तारीफ क्यों कर रहा है.
Why was he trying to help them? उनकी मदद क्यों करना चाहता है? ये courtiers और minister सोचते हैं कि हम तो इसका बुरा कर रहे हैं, ये हमारा इतना अच्छा क्यों सोच रहा है? However, they were all very happy at the thought of getting 500 gold coins, but they forgotten why they had themselves wanted the king to do. पैसे मिलने की खुशी उनको बहुत ज्यादा होती है, thought of getting मिलने की, कि उनको 500 गोल्ड क्वाइन मिलेंगे. फॉरगॉटन भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद ही राजे को क्या कहा था. क्या कहा था उन्होंने? कि आप हर बात पे क्या बोलना, नो. द किंग लुक्ड एट द गोपाल एंड सेड नो. राजा गोपाल की तरफ देखते हैं, बोलता है नो. द मिनिस्टर्स एंड कर्टियर्स वर ऑल वेरी सैड टू हेयर दिस. गोपाल कंटिन्यूड. जब गोपाल की बात को वो नो बोल देता है तो मिनिस्टर्स और कर्टियर बहुत दुखी होते हैं. गोपाल कंटिन्यूड मतलब गोपाल अपनी बात जारी रखता है. योर मजेस्टी मेरे माल, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव देम ईच अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड इन योर किंगडम. कहता अगर आप ये गोल्ड क्वाइन नहीं दे सकते तो अगर पॉसिबल है, पॉसिबल मीन संभव है, तो उनको क्या दे दे, फर्टाइल पीस ऑफ लैंड मतलब उपजाऊ भूमि अपनी किंगडम में इनाम के तौर पे दे दें. वंस अगेन द मिनिस्टर्स एंड द कर्टियर्स वर ऑल लुक्ड हैप्पी. सारे ये बात सुन के खुश हो जाते हैं मिनिस्टर्स एंड कर्टियर्स. बट द किंग शाउटेड बैक. फिर चिल्लाता है नो. दे वर ऑलमोस्ट इन टीयर्स टू हेयर दिस. वे लगभग रोने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं नो सुन के. By now the king had realized that the Gopal knew what they had planned. He smiled to think Gopal will now show them how clever and witty he remain even if I say no to what he say. अब राजा सोचता है कि शायद गोपाल को पता चल गया है कि उन्होंने उसके खिलाफ प्लान बनाया है. तो फिर राजा हंसते हुए सोचता है कि अब गोपाल उनको बताएगा कि वो कितना क्लेवर और विटी है. अगर मैं उसको नो भी बोल दूं तो तभी वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. एट लास्ट गोपाल सेड, ओ किंग, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क योर मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टू वर्क लाइक फार्मर इन योर फील्ड. द किंग सुप्रेस्ड हिज लाफ्टर एंड सेड नो आई विल आस्क देम टू वर्क इन माई फील्ड. सप्रेस क्या होता है? दबाना, हंसी को दबाना. कहता है एट लास्ट गोपाल क्या बोलता है, ओ किंग, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको मिनिस्टर्स और कर्टियर को वर्क करने, काम करने के मत कहना, फार्मर की तरह खेतों में. अब उसको पता है कि वो राजा नो बोल देगा और उनको काम करना पड़ेगा. द किंग सुप्रेस्ड, किंग को उसकी चाल का पता चल गया था, उसने अपनी हंसी दबाई और लाफ्टर होता है हंसना, एंड सेड नो. राजा क्या बोलता है, नो आई विल आस्क देम टू वर्क इन माई फील्ड डेली. मैं उनको कहूंगा मेरे खेतों में काम करने के लिए हर रोज. द मिनिस्टर्स एंड कर्टियर felt at the king's feet and said, O king, we are really very sorry. Now we know how clever and witty Gopal is. Please forgive us. Ministers पैरों पे गिर जाते हैं किंग के और बोलते हैं कि सॉरी, हमें माफ करो, हमें सचमुच में बहुत सॉरी हैं. अब हमें पता चल गया है कि गोपाल कितना क्लेवर और विटी है. प्लीज फॉरगिव अस, माफ कर दो. बिफोर द किंग कुड से, गोपाल सेड, ओ किंग, आई थिंक यू शुड फॉरगिव देम. इस बिफोर मतलब पहले की, इसके पहले कि राजा कुछ बोले, गोपाल फिर से बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि आप इन्हें माफ कर दो. तो क्या बोला किंग? अगेन शाउटेड नो. At once they all got up and run away. Ministers and courtiers ये बात सुनके घबरा जाते हैं, उठते हैं और वहां से भाग जाते हैं. Both the king and the Gopal burst होता है फूट पड़ना हंसी में, out laughing. Now they knew that the jealous ministers as well as courtiers had learned their lesson. हंसने लगते हैं. अब उनको पता चल गया है कि jealous ईर्ष्या वाले जो ministers हैं और courtiers हैं, उनको एक lesson मिल चुका है. Okay student, I hope you understand. Take care and bye.